तो नमस्कार आदाब आप सत श्रीकाल राम राम खम्मागणी दोस्तों मैं रजदी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में तो दोस्तों आज है ट्वेंटी एट जुलाई सुबह छः बजे वीडियो आना था बट छः बजे की जगह शाम छः बजे मिल जाएगा कोई बात नहीं है एक दिन का एक वीडियो आपको मिलना है वो डेली मिल जाएगा तो दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था सहकारिता मंत्रालय पे तो सहकारिता मंत्रालय के बारे में सारी चीज़ें हमने कवर की थी क्योंकि सहकारिता मंत्रालय पुराना तो है ही साथ में नया मंत्रालय बना है साथ में सहकारिता से संबंधित क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए थे वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी तो नया और पुराना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक पुराना चैप्टर नाइन बी ठीक है अनुच्छेद नाइन बी में जोड़ा गया था और एक नया भाग सहकारिता मंत्रालय हमारी दो चीज़ें कवर हो गई थी वैसे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं रामप्पा मंदिर तो आप सब ने अगर न्यूज़पेपर जैसे कि मैंने कहा था कि मैं नहीं पढ़ा पा रही लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ना कोई भी करंट अफेयर्स वाली मैगजीन ई मैगजीन नहीं कोई भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और उससे पढ़ते रहना या फिर मैं तो डेली न्यूज़पेपर से भी पढ़ती हूँ तो रामप्पा मंदिर चर्चा में है तो आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा हम उस पर डिस्कस करेंगे तो दोस्तों अब वैसे तो देखो रामपा मंदिर को क्या क्यों चर्चा में है या आपने नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जगह मिली है तो अपने इंडिया की कोई भी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हेरिटेज साइट में अगर जगह मिलती है तो हमारे लिए प्राउड की बात भी है और प्लस हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट बात भी है दोनों ही मुद्दे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दूसरी बात यह है कि आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है यार इंडिया में ऐसे तो बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम सारी थोड़ी याद करेंगे सारी याद करने के लिए मैं बोल भी नहीं रही एक तो राजस्थान की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यह आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान में कितनी हेरिटेज साइट है आई uh, होप कि आपको याद ही होगा नहीं याद है तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा पढ़ लीजिएगा ताकि एक बार रिविजन हो जाएगा ठीक है तो एक तो हमें राजस्थान की वर्ल्ड हेरिटेज साइट याद रखनी है दूसरी कि जो भी करंट में आवे जिन साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल रहा है वो जरूर जरूर याद रखनी है और सिर्फ उनका नाम ही याद नहीं रखना है नाम की दृष्टि से तो हो गया हमारा प्री का आंसर तैयार उसके बाद में हमें जब मेंस की तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो हमारे उसके उसके बारे में उसकी सारी हिस्ट्री उसकी विशेषताएं सब कुछ हम पढ़ेंगे मेन्स के हिसाब से ठीक है तो हमारी दो चीज़ें कम्प्लीट हो जाएंगी प्री का चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाएगा मेन्स का चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो आज हम बात करेंगे रामाबा मंदिर की एक चीज़ हो रहा है आपको ऐसे लगेगा रामप्पा मंदिर तो साउथ का है साउथ का कौन नहीं पूछेगा हमसे लेकिन मैं आपको पिछली बार के मेंस का एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि अर्जुन की प्रतिमा हमसे पूछी गई थी ठीक है अर्जुन की प्रतिमा अब उस टाइम अब आप तो है ना एक बार जो क्वेश्चन आ रही इसमें आ जाता है ना उसके बाद में तो कोचिंग वाले मैगजीन्स वाले इतना रटा देते हैं कि भविष्य वाले मतलब जो आने वाले बच्चे हैं उनको तो ऐसे लगेगा अरे यार ये तो याद ही है हमको है ना लेकिन हमारे टाइम में ये पहली बार हुआ था कि अर्जुन की प्रतिमा हमसे पूछी गई अब हम, हम लोग इसे क्या सोच रहे थे मतलब शायद ही किसी बच्चे को आई होगी या फिर आई होगी तो बहुत कम लोगों को आई होगी मतलब मुझे भी नहीं आई थी तो इसमें क्या पूछा गया था इसमें अर्जुन की प्रतिमा हम लोग सोच रहे थे या सिंधु घाटी में मिली है या वैदिक सभ्यता में कोई प्रतिमा मिली है या कहाँ पे कैसे कब कौन सी अर्जुन की प्रतिमा थी ये तो याद ही नहीं आ रही जैसे सिंधु घाटी में हम नृत्य की प्रतिमा पढ़ते हैं पुरोहित की मूर्ति पढ़ते हैं वैसे ही हम ऐसे सोच रहे थे हम दिमाग पर जोर डाल डाल के ऐसी कोई प्रतिमा होगी बट वो प्रतिमा जो थी हमारा मतलब चीन की और इंडिया की जो चाइना के जो जो हैं प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे आए थे तो उनकी अनौपचारिक वार्ता थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी उनको घुमाने लेके गए थे शी जिनपिंग जी को तो उन्होंने उनकी जो यात्रा का स्थान था दोस्तों उसके पीछे जो प्रतिमाएँ बनी हुई थी उनको बोलते हैं अर्जुन की प्रतिमा है ना वैसे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो या ना हो लेकिन इस वजह से वो स्थल फेमस हो गया अब वो स्थल तो था साउथ साउथ का लेकिन वो चर्चा में आ गया है ना चर्चा में आ गया तो हमारे मेंस का आई थिंक पहला ही क्वेश्चन था फर्स्ट पेपर का पहला ही क्वेश्चन था वो अर्जुन की प्रतिमा दो नंबर का ठीक है अब इतना सा लिख देते हैं अर्जुन की प्रतिमा दो नंबर का ठीक है वो बिल्कुल भी याद नहीं आ पाता क्योंकि उस टाइम ना मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब आपकी मेन्स आ जाएगी तब आप करंट इतना नहीं पढ़ पाओगे जितना हम पहले पढ़ सकते हैं क्योंकि मेन्स का खुद का इतना सिलेबस होता है कि हमें वो ही नहीं कवर हो पाता और हमारे साथ भी यही हुआ था कि हम करंट बहुत कम पढ़ पाते थे मेन्स के टाइम पर तो अभी से अगर हम कवर करंट कंप्लीट करके चलेंगे तो यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो भी साइट्स हमारी जुड़ रही है ना हाल ही के वर्षों में वो हंड्रेड परसेंट हमसे पूछी जाएंगी चारों पेपरों में से कोई ना कोई में पूछी जाएंगी और फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है तो मतलब नाइन्टी परसेंट पॉसिबिलिटी है फर्स्ट पेपर में पूछी जाएंगी प्लस प्री का तो क्वेश्चन बन ही रहा है तो प्री के लिए तो तैयार कर ही लेंगे तो आज पढ़ेंगे रामप्पा मंदिर दो आ, मतलब ये मैंने क्वेश्चन तैयार किया था परसों और आज के पेपर में एक और साइट को मिल गई है तो अगर आपने न्यूज़ पेपर पढ़ा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज के पेपर में कौन सी साइट मतलब आज कौन सी साइट को मतलब कल मिला था जो आज के पेपर में न्यूज आई है कौन सी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है तो उसका भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मैं भी देखूँ आप कितने ध्यान से पेपर पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं रामपा मंदिर तो सबसे पहले तो हमें स्थान पता होना चाहिए कि उपरोक्त मंदिर आखिर है कहाँ पे तो दोस्तों यह तेलंगाना के काकते स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है तो है यह तेलंगाना में तेलंगाना के काकते ज़िले ठीक है काकते जगह पर रुद्रेश्वर मंदिर इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं इसे रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं तो रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से रुद्र भगवान किसको बोलते हैं शिवजी को बोलते हैं ना तो उनसे आप शिवजी से रिलेट भी इसे कर सकते हो इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है पहली लाइन में हमने ये बता दिया फिर इसे रामप्पा मंदिर क्यों कहते हैं रुद्रेश्वर मंदिर है तो तो दोस्तों इसका नाम इसके शिल्पकार रामप्पा इनके जो शिल्पकार थे मतलब इस मंदिर को बनाने वाले थे रामप्पा उनके नाम पर पड़ा ठीक है तो दोस्तों यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है मतलब भारत का तो है ही विश्व का आई थिंक और भी हो सकता है भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम उसके शिल्पकार के नाम पर पड़ा है हमारे भारत में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जिसको उसके शिल्पकार के नाम से मतलब बनाने वाले के नाम से जाना जाए कारीगर के नाम से जाना जाए लेकिन इस मंदिर को इतना सुंदर बनाया गया है कि उस कारीगर के नाम से ही उस मंदिर को जाना जाता है जिनका नाम था रामप्पा तो हमारे यहाँ पे मंदिर का हमको इससे मंदिर का नाम भी याद हो गया प्लस मंदिर बनाने वाले का नाम भी याद हो गया उसका नाम है रामप्पा ठीक है इसके बाद में दोस्तों बारहवीं सदी का यह इकलौता मंदिर है जिसके नाम जिसका नाम इसके शिल्पकार के नाम पर पड़ा तो दोस्तों ये बारहवीं सदी का मंदिर है देखो ये जो बारहवीं सदी लिख रखी है ये तो लिख रखी है दृष्टि वाले मतलब अब हम भी कहाँ से पढ़ सकते हैं हम भी बुक्स वगैरह में से ही पढ़ सकते हैं तो दृष्टि की मतलब वो थी एक नोट्स थे उनमें से मैंने देखा कि इसमें बारहवीं सदी लिख रखा है बाकी एक जगह गूगल पर देखा मैंने आठवीं सदी भी लिख रखा है तो दोस्तों मैंने थोड़ा क्योंकि दृष्टि वालों की मतलब कोई जीरो परसेंट ही चांस होते हैं कि कुछ चीज़ गलत हो बाकी मोस्टली चीज़ें सही होती हैं तो मैंने दृष्टि पे ही बिलीव किया और मैंने बारहवीं सदी यहाँ पे लिखा ठीक है तो बारहवीं सदी का इकलौता मंदिर है तो दोस्तों इसका निर्माण कब हुआ था बारहवीं सदी में हुआ था और इसका जो मतलब ऐसा मंदिर इकलौता है जिसके शिल्पकार के नाम पर इसका नाम पड़ा यह भारत की उनचालीसवा विश्व धरोहर स्थित स्थल है जो तेलंगाना के वारंगल के मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित है तो दोस्तों यह भारत का थर्टी नाइनवा स्थल है मतलब इससे पहले हमारे 38 स्थलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी शामिल किया जा चुका है अगर बात करें रामप्पा मंदिर की तो रामप्पा मंदिर का नंबर है थर्टी नाइनवा तो ये मंदिर भी आपको याद करने नंबर भी आपको याद रखना है बिकॉज प्री में क्वेश्चन पूछेंगे तो रामप्पा मंदिर और फिर नीचे देंगे चार कोटेशन तो हमें चारों कोटेशन याद होने चाहिए उनमें से दो भी याद होंगे ना तो कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन गलत हो सही हो इसका कोई भरोसा नहीं है तो उनमें से एक कोटेशन ये दे देंगे कि यह मंदिर का थर्टी नाइनवा मंदिर मतलब थर्टी नाइनवीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है है ना तो हमें मतलब इसके आसपास के सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए क्योंकि आप प्री का पेपर उठा के देखोगे आर एस का आपको पता चल जाएगा कि प्री का भी किस लेवल का पेपर आता है ठीक है तो जो यूपीएस से लेवल का पेपर आता है आर एस प्री का भी ठीक है तो थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना है तो उनचालीसवीं विश्व धरोहर है जो कि कहाँ स्थित है एग्जैक्ट सिचुएशन हम देखें तो तेलंगाना राज्य के वारंगल वारंगल के मुलुगु जिले के पालमपेट में इतना डीप वैसे जाने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा तेलंगाना वारंगल भी याद कर लेंगे तो काफ़ी है क्योंकि हमारा लोकल जगह नहीं है अगर राजस्थान की कोई जगह होती तो हमें फिक्स स्थिति याद करने की जरूरत थी बाकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है ठीक है इसका निर्माण 1213 में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में किया गया था निर्माण कब किया गया था काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में 1213 में किया गया था ठीक है काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति रेत रेचाड़ला रुद्र द्वारा बनवाया गया था तो दोस्तों अगर मतलब निर्माण का वंश देखें तो वो वंश है काकतीय साम्राज्य काकतीय साम्राज्य के राजा थे गणपति देव उनके सेनापति थे रेचाड़ला रुद्र के द्वारा बनाया गया था ठीक है तो दोस्तों इसमें भी अलग है मतलब एक जगह मैंने पढ़ा था उसमें कोई अलग ही राजा का नाम दे रखा था अब अपन ऐसी जानकारी इस इस मंदिर का वैसे हिस्ट्री में अपन जब हिस्ट्री पढ़ते हैं उनमें तो ऐसी कोई डिटेल्स मिली नहीं कभी इस मंदिर के बारे में लेकिन अब जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया तो अपन गूगल वगैरह से ही सर्च कर सकते हैं तो ये भी मतलब हर जगह अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है फिर भी मुझे जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स लगा उस जगह से ही मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की है बाकी कुछ दिनों में जो अच्छी अच्छी मैगजीन्स आएंगी ना उनमें ज़रूर इसके बारे में आ जाएगा फिर हम और ज़्यादा मतलब वैसे तो ये सही है लेकिन मतलब हो सकता है कुछ परसेंट थोड़ी सी गलती हो जाए बनाने वाले का नाम वगैरह तो हम और सही कर लेंगे है ना क्योंकि मेरे मतलब हिस्ट्री में ऐसा कोई सोर्स अपन जो हिस्ट्री पढ़ते थे उसमें तो ये वाला मतलब मंदिर शायद दिखाते मतलब पढ़ाते ही नहीं है अपन को फिर भी अपन को यही याद रखना है काकतीय साम्राज्य के राजा थे गणपति देव और उनके सेनापति थे रेचारला रुद्र उन्होंने यह मंदिर बनवाया था अब थोड़ी सी इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि आखिर इस मंदिर में ऐसा है क्या जिसके कारण इसे विश्व मतलब विश्व सांस्कृतिक धरोहर की दर्जा दिया गया तो सबसे पहले तो दोस्तों यह जो मंदिर है ना वह छः फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पे खड़ा हुआ है जिसकी दीवारों स्तंभों और छतों पे जटिल नक्काशी की गई है तो दोस्तों ऐसे एक स्टार जैसा कुछ बना हुआ है मतलब स्टार कैसा होता है ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा कुछ ऐसा और पहले छः फुट ऊँची मतलब ऐसे दीवारें जैसी बनाई गई हैं स्टार की आकृति में मतलब ऐसा था वो वैसे ऐसा था मैंने फोटो भी देखी थी आप भी देख लेना फ़ोटो देखने से थोड़ा ज़्यादा याद हो जाता है तो ऐसी ऐसी जगह बनाई गई है और उस पर मतलब ऐसे छः फुट ऊँची मतलब पहले दीवार बनाई गई है उस दीवार पर भी बहुत अच्छी अच्छी से नक्काशी की गई है और छः फुट ऊँची दीवार पर मंदिर बनाया गया है जैसे कि हम कोई घर नहीं बनाते हैं उसको बनाने से पहले हम मतलब जो उसकी नींव है वो बहुत ऊंची भरते हैं ताकि भाई पानी वानी की समस्या कभी आए जिंदगी भविष्य में मतलब अपन करते हैं ना गांव में सड़कें ऊंची हो जाती है तो घर नीचे हो जाते हैं तो वो वाले समस्या नहीं आए तो वो लोग पहले से पहले वाले लोग सोच के चलते थे इसलिए वो हर मतलब जो इतनी शानदार इमारत बनने जा रही है उनको थोड़ा ऊंचा बनाते थे भूमि से तो सबसे पहले तो दोस्तों छह फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पे ठीक है खड़ा किया गया और उसकी दीवारों स्तंभों छतों पर नक्काशी जो है ना वो देखने लायक है एक यूरोपियन यात्री ने इस मंदिर के बारे में कहा तो बहुत सारे यूरोपियन यात्रियों ने दोस्तों अपने किताबों में इस मंदिर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है जिनमें से एक यात्री जो मुझे सबसे बेस्ट कोटेशन लिखा वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि यह है मंदिर दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाश में सबसे चमकीला तारा है तो दोस्तों आपको पता है साउथ इंडिया में कितने सारे मंदिर है जो दक्कन हम इसी बोलते हैं ना प्रायदीप्य पठार वाले एरिया को तो उसमें कितने सारे मंदिर हैं है ना हमारी धरोहर ही एक तरह से वो संस्कृति का तो भंडार है साउथ में と तो इन्होंने दक्कन के जो मध्य युग में जो मंदिर बनाए गए थे उनको पूरी को कहा है कि एक आकाश गंगा के समान है इतने सारे मंदिर हैं और उस आकाश गंगा में यह जो मंदिर है वह उस आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा है मतलब उन्होंने कहने की कोशिश की है कि जो दक्कन के जितने भी मंदिर हैं उनमें से सबसे बेस्ट मंदिर जो है वो यह मंदिर है रामप्पा मंदिर ठीक है एक जगह मुझे मिला कि इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियों की कहानियों नक, को नक्काशी के जरिए उतारा गया है ठीक है तो जो दीवारें हैं दोस्तों उस पर रामायण और महाभारत की कहानियों के चित्र वगैरह मूर्तियां वगैरह भी बनाई गई हैं और एक मतलब कुछ जगह इस मंदिर को दोस्तों दोस्तोंम कहा गया है क्योंकि इस मंदिर में शिव विष्णु और सूर्य देवता की एक साथ पूजा होती है तो दोस्तों आज तक तो मतलब शिव विष्णु और ब्रह्मा के एक साथ पूजा के बहुत जगह अवशेष मिले हैं है ना जिनको हम त्रिदेव भी बोलते हैं लेकिन यहाँ पे पहली बार शिव विष्णु और सूर्य देवता इन तीनों की एक जगह पूजा के मतलब एक जगह मूर्तियाँ मिली और एक जगह पूजा के अवशेष मिले हैं तो यह भी इस मंदिर की एक स्पेशल विशेषता है इसलिए इसको त्रिकुटल्यम बोलते हैं शिव विष्णु जी और सूर्य देवता तीनों की पूजा के एक मतलब इन तीनों की पूजा इस मंदिर में होती है तो यह है भी इस मंदिर की बहुत अच्छी वाली विशेषता है ठीक है तो ये था दोस्तों रामप्पा मंदिर तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया होगा चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि रामप्पा मंदिर आ जाए इंटरव्यू में पूछ लिया जाए ए e. वालों से या फिर आ जाए अपने प्री में मेन्स में तो सपने में भी गलत नहीं हो तो सबसे पहले दोस्तों तेलंगाना में स्थित है काकतेय वंश में बनाया गया था रुद्रेश्वर मंदिर भी इसे कहते हैं ठीक है इसके बाद में शिल्प का रामप्पा के नाम पर रामप्पा नाम पड़ा बारहवीं सदी में यह बनाया गया था भारत के थर्टी नाइनवीं धरोहर है यह तेलंगाना के वारंगल के मुलुगु के पालमपेट में स्थित है ठीक है 1213 सौ में इसका निर्माण काकतीय साम्राज्य के जो राजा थे गणपति देव उनके जो सेनापति थे रेला नहीं रेचा चंद्र रेचारला रुद्र रेचारला रुद्र उनके उनको द्वारा बनाया गया था विशेषताओं में देखें तो छः फुट ऊंचे तारे जैसी आकृति पर बनाया गया है स्तंभों दीवारों और छतों पर जटिल नक्काशी दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियाँ भी उकेरी गई है और इसके अलावा त्रिकुटल्यम भी कहते हैं क्योंकि शिव विष्णु और सूर्य देवता की पूजा यहाँ पर एक साथ होती है और इसके अलावा एक यात्री ने ये वाला जो कोटेशन है ना दोस्तों ये वाला ये लास्ट में लिखता लिखना आप मीन्स में जब आए क्योंकि हम अनसवर या तो शुरू करें या तो शुरू में लिखना या लास्ट में लिखना या तो शुरू किसी कोटेशन से करो या खत्म किसी कोटेशन से करो बीच में कोटेशन डालने का कोई मतलब ऐसे होता नहीं है तो वो ज़्यादा बेस्ट और ज़्यादा प्रभावी आंसर लगता है लगता है तो ये आप लास्ट में लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा कि यह मंदिर दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों के आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा है तो अच्छा कोटेशन है ज़रूर डालना अगर राम मंदिर आए तो ठीक है तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो आप कहते हो ना मैम करंट को थोड़ा बहुत साथ लेके चलेगा तो जो बिल्कुल अगर करंट में ऐसी कोई न्यूज आई जिसमें हमारे क्वेश्चन बन सकता है मेंस में स्पेशली तो मैं जरूर आपको पढ़ाऊंगी मुझे पता था कि इसमें से एक एक और राजस्थान के एक योजना भी लॉन्च हुई है राजस्थान स्पेशल और राजस्थान में पहली बार वो भी मैं यहाँ पे कवर कर लूंगी प्लस एक और विश्व की एक और हेरिटेज साइट हमारी भारत के साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट का दर्जा मिला है वो क्वेश्चन हम कल लेके आएंगे तो आप भी करंट पढ़ते रहिएगा जितना मेरे से हो सके मैं भी मेन्स पर राइटिंग में लेके चलने की कोशिश करूंगी क्योंकि मेरा ध्यान ही ज्यादा इस बार रहता है है क्योंकि मैंने पिछली बार गलतियां की थी कि मेरी करंट कमजोर थी मेंस के टाइम पे बता रही हूं क्योंकि मेंस के टाइम पे हम सिलेबस कवर करने में ही लगे रहे हमारी करंट वीक हो गई थी तो इंटरव्यू में हमने बहुत करंट पढ़ी है तो इस बार कोशिश करेंगे कि उस लय को थोड़ा सा बनाए रखा जाए और पेपर को मेंस के मेंस में और अच्छे नंबर आप सबके भी दिलाया जाए जितनी मेरी कोशिश हो सकती है और मैं भी इस बार और अच्छे नंबर ला सकूं तो आज के लिए इतना ही दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा बाकी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों के साथ शेयर भी करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच